ये आज मैं आपको नई एंट्री अपने जो सेटअप की है ना, बिल्कुल नई एंट्री अब करवा रही हूँ। ये भी फ़खर हमें बताए बगैर ही लेके आया है। हमने लेने दूसरा भेजा था मगर फ़खर ले गया लेके आया, उसे पता था कि मम्मा को ये ज़्यादा पसंद है तो इसलिए वो ये लेके आ गया है। तो अब ये मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें माशाल्लाह प्ले माउथ रोब, इसका नाम है प्ले माउथ रोब। बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं इसके। ये देखें इसके पार जो है ना, ये इस तरह के ना चित्रे मित्रे, ये आपने बाकी वीडियोज़ में भी देखे होंगे। तो ये बहुत बिग साइज़ इनका हो जाता है। अभी ये 3-4 माह के बच्चे हैं, चूज़े हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारे सेटअप में साथ साथ जैसे हमारे दूसरे चूज़े ग्रो करेंगे, ये भी हमारे साथ ग्रो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कैसे से होंगे। तो जनाब अब मैं अपने शाम का टाइम हो गया है और मैं ऊपर छत पर आई हूँ अपने परिंदे खोलने के लिए। तो अब मैं अपने परिंदे खोलने लगी हूँ क्योंकि वो बहुत बेचैन हो रहे हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं। अब ये वाले खोल दें, अब ये वाले खोलती हूँ। अच्छा ये अंडा देती हैं मगर अभी हमारे यहाँ इन्होंने एक भी अंडा नहीं दिया। मैं रोज़ इंतज़ार करती हूँ कि शायद आज दिया हो। वो मुर्गा देखो पागल ही हो गया, मुर्गी को निकलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इनको अभी पता ही नहीं चला कि जैसे निकल रहा, आ जाते हैं आप थोड़े टर्की इसको खोल दें मम्मा। ठहरो फखर, फखर ने खोल दिया टर्की को, अभी आ जाते हैं भाई। कर दिया है और आ जाओ जी बाहर आओ, बिने निकाल लेने का टर्की इसको, ना पता नहीं चल रहा कैसे बाहर आना। फखर उनके पास, फखर उनके पास नीचे ने निकाल दिया एक को, अब फीमेल को निकाल दे। ये देखें फीमेल भी आ चुकी है बाहर, माउथ रॉब किधर गीजर के नीचे छुप रहे हैं, कहाँ छुप रहे हैं। जब भी हमारे सेटअप पे कोई नया बर्ड आता है ना, तो जो पुराने वाले हैं ना अपना रॉब बहुत जमाते हैं और उसे बहुत डरा देते हैं एकदम ही, फिर आहिस्ता आहिस्ता जरा ये एडजस्ट होते हैं, एकदम से नहीं उसको अपने साथ मिलाते। और एक बैड न्यूज़ मैं आपको सुनाऊँ, और एक बैड न्यूज़ मैं आपको सुना रही हूँ। सुबह सुबह जब इनको दाना पानी करने के लिए हम ऊपर आए तो देखा जी जनाब जी ये जो कुमरे हैं ना, ये जो डार्क ब्राउन वाला था वो उड़ गया, वो है ही नहीं था अंदर। ये तीन थे, एक तो ये अंडों पे बैठी हुई है ना, ये फीमेल है और ये मेल है। तो ये एक तो अंडों पर बैठा हुआ ना ये जोड़ी जोड़ी, और एक जो डार्क ब्राउन कलर का था ना वो उड़ गया, वो कहीं नहीं मिला। हमने कहा शायद ये नीचे पिंजरे में चला गया होगा, यहाँ भी बड़ा ढूँढा यहाँ भी ढूँढा, मगर वो उड़ चुका है। ये हमारा ना पिंजरा इतना मज़बूत नहीं है, ये हमने खुद बनाया था जाली वगैरह लगा के, तो ये इसका ना डोर यहाँ से मज़बूत नहीं है, वो मेरा ख्याल यहाँ से निकल गया होगा। ये जगह है यहाँ, ये मेरा यहाँ जगह है। बहुत अफसोस हुआ कि अब ये होते हैं कि पिंजरों में रहने वाले परिंदे, तो इनके लिए ना बाहर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि वो सर्वाइव कर जाए, क्योंकि चीले कौवे वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं और इनका बचना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो चलो अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि वो बच जाए और वो बेचारा सही रहे, आज़ाद तो हो गया है। हर एक का दिल तो करता है आज़ाद होने को, चलो अच्छी बात है जो अल्लाह को। मैंने रोटी के टुकड़े डाल रही हैं पर मुझे नहीं लगता इन्हें पसंद आ रही हैं, वो कहीं इतना इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। बतख पता नहीं कहाँ गई, वो बहुत शौक से खाती है, वो खड़ी है, वो खड़ी है। बतखी देखे कितनी ज़्यादा मैली हो गई है, फिर दोबारा फिर इतनी ज़्यादा मैली हो गई है, क्या इसका करें। ये देखें माशाल्लाह ये तीनों जो है ना हमारे इंग्लिश गेम इस वक्त डोर के ऊपर चढ़ के बैठे हुए, देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही माशाल्लाह प्यारे हैं। और माशाल्लाह ज़रूर कहा करें बर्ड्स को देख के ना, छोटी छोटी जानें होती हैं बेचारी। और बाकी भी दिखाओ ज़रा, वो माशाल्लाह वो देखो, यूनाफॉल मुझे हर वीडियो में ये कहने पे मजबूर कर देती है कि ये बहुत शोर करती हैं, तो वह ये वाकई बहुत शोर करती हैं, मगर आइंदा मैं ध्यान रखूँगी कि ये मैं ऐसे बार बार ना कहूँ, क्योंकि वो तो बेचारियों की आदत है, उन्हें जैसे अल्लाह ताला ने उनके गले में कोई बाजा फिट किया हुआ ना, इस तरह हर टाइम इनकी आवाज़ निकलती रहती है। और बाकी देखें अपना सारा घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सारे इंजॉय कर रहे हैं, मगर इनकी ये इतनी गंदी आदत है ना, वो जो अभी हम लेके आए ना प्ले माउथ, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। हर एक उनको आके ना सबसे पहले मारता है और फिर अपना काम करता है, जैसे ये ना मारना उनको बहुत सवाब का काम है ना। वो देखें बतखी के माशाल्लाह पर कितने बड़े लग गए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बतखी की टांग भी अब बिल्कुल ठीक हो गई है,
अल्हम्दुलिल्लाह सही चलती है अब बिल्कुल। ये देखें प्ले माउथ फ्रॉग इधर खड़े हैं, ये बेचारे दोनों अकेले खड़े दाना खा रहे हैं। शुक्र है इनको थोड़ा सा टाइम मिल गया, हम पास खड़े हैं ना इसलिए वो ये इनको खाने का मौका मिल गया, नहीं तो वो खाने नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। ये एक मेल ये पेयर है मेल और फीमेल। अच्छा हम ना ये बजिस के लिए ये आपको मैंने दिखाई थी ना कि ये जो कोठरियाँ सी हैं इनके अंदर बिल्कुल नहीं जाते हैं और कोई ब्रीडिंग का कोई चक्कर नहीं है इनका ना, तो इन्हें मेरा ख्याल मैंने कहीं देखा है इनकी वीडियो में ना कि ये इन्हें ये हट जो है ना ये पसंद नहीं है, तो इनके लिए मैं वो लेके आई हूँ कुजियाँ, वो जो घड़े से होते हैं ना छोटे छोटे मट्टी के बने हुए, कहते हैं वो ब्रीडिंग के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, तो आज इंशाल्लाह हम ना वो इनके लगाएंगे, आज लगाऊंगी कल की वीडियो में फिर मैं आपको दिखाऊंगी लगा हुआ। आज मैं वैसे ही आपको सादे दिखाती हूँ कि मैं वो लेके आई हूँ। ये देखिए ये चार लेके आई हूँ मैं, ये मुनासिब मीडियम साइज़ की थी तो ये हम ले आए हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़ी हैं ना बहुत ज़्यादा छोटी हैं, तो मैंने कहा ये छोटे छोटे हैं इनके लिए मेरा ख्याल है कि यही साइज़ बेस्ट रहेगा। और अब हम ये सुराख भी किए हुए हैं इनके ना, ये इस साइड पे और इस साइड पे, ये या फिर तार के लिए या जो हमने डालना हो ना धागा वगैरह जिसके साथ हम उसके पिंजरे में बांधेंगे, कॉर्नर में लगाऊँगी तो ना ये बांध के फिर मैं आपको कल की वीडियो में ये दिखाऊँगी। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है सही वाली। और ये देखा ये रोटी में नीचे से इनके लिए पका के स्पेशल ना परिंदों के लिए ना अपने मैंने कहा रोटी पका के लेके जाती हूँ बड़े शौक से खाएंगे, मगर ये देखें ये मैंने किया है तो इन्होंने बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाया, वो अपना वैसे ही बस चलने फिरने लग गए हैं, वो घूम रहे हैं फिर रहे हैं कोई नहीं खा पूरा। तो अब मैंने इसको बाकी समेट के रख दूँगी नीचे, कल इनको भिगो दूँगी फिर भीगी हुई इनको डाल, खाना ही नहीं है देखो ये इन्होंने अपने बच्चों को भी खिलाना होता है तो इनका ज़रा दाने का ना ध्यान रखा करो। ये मेरा ख्याल नवेरा सुबह सुबह डालती है तो इनका दाना बिल्कुल ख़त्म है, अब मैं इसको निकालती हूँ इसके अंदर से। नहीं मैं कुछ कहती तुम्हारे बच्चों को, चलो जी मैं इनको दाना डाल के डाल देती हूँ। ये जो है ना ये सनफ्लावर सीड्स ये भी बहुत शौक से खाते हैं, और ये वाइट वाले इसको पता नहीं क्या कहते हैं, ये भी बहुत शौक से खाते हैं छोटा छोटा दाना, बहुत पसंद है इन्हें सबको, क्योंकि इन्होंने समझना है कि शायद हमारे ना वो उसको डिस्टर्ब करने आ गई है। और ये देखा ये इन्होंने इसका हाल क्या किया, इसको ना अंदर से दिखाना जरा मेरा अपने वो ब्रीडिंग बॉक्स का, इन्होंने क्या हाल किया, ये सारा इधर से ना वो अंदर बच्चा ही नज़र आ रहा है ना, बच्चा नहीं है मेरे ख्याल, बच्चा नहीं है अंदर, वो बड़ा वाला मेल है, हाँ मेल बैठा हुआ, वो सारा इन्होंने यहाँ से सारा तोड़ दिया, अब दरवाज़ा भी अनकरीब मेरा ख्याल उतरने ही वाला है इसका, कितना बुरा हाल है ना, हाँ फट चुका सारा। इनका देखती हूँ कोई अंडा शंडा है कि नहीं, कि कोई नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं, अभी बिल्कुल कालम काली है, ये बस ऊपर चढ़ के बैठे रहते हैं तो कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है अंडे उंडे का, देखते हैं। मगरिब का टाइम होने वाला है, अब थोड़ी देर बाद हमने इनको बंद कर देना है, तो आप मुझे बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और हमारे जो नया एडिशन है प्ले माउथ रॉब वो कैसा लगा, और उसका हम नाम क्या रखें ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और जनाब ये अपने पेट्स लवर दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।